वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं चार बहुत ही होनहार खवातीन से जो कि बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। और बहुत एक और आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि 4 और 5 मार्च को यानी इस वीकेंड पे बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक फेस्टिवल होने वाला है जिसका नाम है वाओ फेस्टिवल, वुमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल। 6th एडिशन है ये उसका। और इस फेस्टिवल में क्या कुछ नहीं होता इसकी हाईलाइट आपको ये खवातीन देंगी। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, हमारे साथ हैं खदीजा हुसैनी जो कि आज प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है एट द ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान, और उनके साथ साथ हैं हिबा खान जो कि NLP मास्टर कोच है। हिबा, आपको पता मैं भी NLP की ट्रेनिंग ले रहा हूँ जो कि मैं आपको उसके खैर मैं हमेशा अपने बारे में बात करना शुरू करता हूँ। हमारे साथ है अमीरा ख्वाजा जो कि एक स्टूडेंट है, और हाजरा बख्श जो कि एक स्टूडेंट है। आप सबको खुश आमदेद शो पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले खदीजा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा एक रोशनी डालिए कि वाओ फेस्टिवल है क्या चीज़। जी, ये एक मूवमेंट है फेस्टिवल्स की जो कि ख्वातीन और बच्चियों की जो जो अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, और इसके साथ साथ वो इस उन जो है वजूहात के ऊपर भी रोशनी डालते हैं जो कि उनके पोटेंशियल में हाइल होती हैं। तो ये इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसमें टॉक्स होती हैं, इसमें पैनल डिस्कशंस होते हैं, इसमें वर्कशॉप होती हैं, इसमें परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, इसमें किस्सा-खानी कहानियाँ गर्जिए के और बच्चों की प्रोग्रामिंग, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर ये वाओ फेस्टिवल जो है तश्कील किया जाता है। और इसको तश्कील देने से पहले हम एक ये करते हैं कि हम जो सोसाइटी है, हमारा माशरा है, उसमें से बहुत सारे लोगों को दावत देते हैं कि वो आएं और हमें जो है अपनी आरा से जो है मुतलक करें कि वो ऐसे फेस्टिवल्स में क्या देखना चाहते हैं और क्या देखना पसंद करते हैं और कौन से इश्यूज़ हैं जो कि वो हाईलाइट करना चाहते हैं। तो ये उसके बाद में ये तश्कील दिया जाता है। हमारे क्यूरेटिंग पार्टनर्स हैं बेहतरीन ECDI और ओलोमोपोलो मीडिया, जिनके इश्तराक से हमने ये पेश किया है। जबरदस्त। और इस वीकेंड पे बीच लग्जरी होटल में होने वाला है वाओ फेस्टिवल। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।